नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने एक एक्सल 100 है और ये वाली है जिसमें बैटरी नहीं होती है। ये एक्सल बिना बैटरी और बिना सेल्फ वाली है। इंडिकेटर है इसमें लेकिन बिना बैटरी बिना सेल्फ वाली। ठीक, दो एलईडी लाइट हमने फिट कर दिया यहाँ पर फिट कर दिया। ठीक, अब इसके जो दो वायर हैं, एक वायर इसमें ब्लैक है, एक वायर रेड। ठीक, तो जो इसका ब्लैक वायर है वो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अर्थिंग लगा दिया। यहाँ पर देखिए किस वायर में, जिसमें काले पर सफ़ेद पट्टी है उसी पर हमने अर्थिंग लगा दिया। यहाँ पर देखिए, ये अर्थिंग हमने लगा दिया इसी के साथ। ठीक, अर्थिंग दे दिया। ठीक, अब ये जो तार बचा है ये वाला, ठीक, इसको क्या किया, स्विच यहाँ पर लगा दिया एक ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक, ऑन ऑफ स्विच करने के लिए ये लगा दिया। ठीक, अब इसमें क्या है, ऑन ऑफ जो स्विच है, यहाँ पर जो हारन का वायर है, इस हारन के वायर में ही हमको क्या है कि यहाँ पर हमको फेस देना है, बस यहाँ पर फेस देना है। और जो ये कलर का वायर है इसमें फेस दिया, और इसका जो ये रेड वायर है इसमें जोड़ दिया। ठीक, अब मेरे मित्र यहाँ देखिए, हमने थोड़ा सा यहाँ हारन का वायर है ये, यहाँ पर हमने इसे कर लिया, कट लगा दिया। ठीक, इस जगह पर क्या है कि जो स्विच का वायर है काला सफ़ेद, ठीक, उसी में हमको इस तरीके से ये कर दिया। ठीक, और यहाँ पर टेप लगा देता है, और देखिए ये वायरला वायर हो गया दोनों, इधर का एलईडी का उधर का एलईडी, ये हो गया स्विच का दूसरा वायर, क्योंकि स्विच में दो वायर होते हैं। ठीक, अब हमने इसको यहाँ कर दिया। ठीक, अब आपको टेप लगा करके तब फिर आपको दिखाते हैं कि लाइट जल रही या नहीं जल रही। मेरे मित्र देखिए, हेडलाइट भी बहुत गंदी थी, बहुत रोशनी कम थी, इसलिए भैया ने लगवाया, और इसकी रोशनी दिखाएं तो हम देखो, यानी इसी से यहाँ पर जो स्विच लगा है इसी से जलता है। ठीक, और देखिए रोशनी कितनी बढ़िया सॉफ्ट, देख लें अच्छे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रोशनी है। सिर्फ क्या है कि एक्सीलेटर पर होता है, जितना एक्सीलेटर तेज लेते हैं उतना ज़्यादा होती है रोशनी, और जितना यानी एक्सीलेटर कम करते हैं तो थोड़ी सी कम होती। तो इस तरीके से कुल मिला के ये सिस्टम है। लेकिन आपको जब भी कभी लगाना हो तो इसमें कोई ऐसा कनेक्शन नहीं करना है कि आप सोचिए कि जैसे हमने पहले एक वीडियो बनाया था वो हमको एसी से डीसी करना पड़ा था, लेकिन आप डीसी से कुछ नहीं करना, आपको यानी एसी से डीसी से कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल है। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको हारन वाले वायर में जोड़ देना है और आराम से यानी फिट हो जाएगा। जैसे हमने जोड़ दिया हारन वाले वायर में, यहाँ पर सिर्फ हारन वाले वायर में जोड़ दिया, और इस तरीके से दो तार सिर्फ हमने स्विच का लगा दिया, बस एक अर्थिंग हो गया, एक फेस हो गया। इस तरीके से यानी आप समझें, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जब भी आपको यानी 100 एक्सल 100 में लगाना हो तो कोई भी कनेक्शन ये नहीं कि आपको कुछ भी सोच विचार करना पड़ा, सिर्फ हारन में। तो मेरे मित्र, मेरे पास इसके विषय में जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।